उनके बीच बहुत लंबे समय तक खूंखार चुड़ैल की सबसे खतरनाक दंत कथाएं मशहूर रही। वे उसकी चालों और जालों से सचेत थे, लेकिन फिर भी कई लोग उसके भयानक मौत के पंजे से कभी वापस नहीं आए। हम कर्म का एक ऐसा मामला देखने जा रहे हैं जो व्यक्ति के अतीत में बोए गए बीज के अनुसार अच्छी या बुरी चीजें ला सकता है। मेरा विश्वास करें, इस अनोखे किस्से के अनजाने मोड़ आपको तब तक अनजान रखेंगे जब तक कि ये समाप्त ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। ये साल 1960 का किस्सा है। वहाँ पर एक गांव था। उस गांव में ना एक सुखवीर नाम का व्यक्ति रहता था। सुखवीर बहुत ही मेहनती व्यापारी था। ये ना दिन रात एक करके मेहनत करता था। सुखवीर के पास बहुत ज्यादा पैसा था। सुखवीर दिल का बहुत अच्छा था, हर किसी की ये मदद करता था। कोई भी किसी भी वक्त ना इसके पास कोई पैसे की मदद के लिए आता था तो ये कभी किसी को ना नहीं बोलता था। इवन कि बहुत सारे लोगों ने इससे बहुत सारा कर्जा उठाया और कभी वापस नहीं किया, लेकिन सुखवीर ने कभी किसी से अपना कर्जा वापस नहीं मांगा, ना ही उसको कभी परेशान किया। लोगों का जितना दिल करता था, जितना लोगों से हो सकता था ना, वो सुखवीर को पैसा दे देते थे, लेकिन कभी भी सुखवीर ने किसी भी व्यक्ति को ना कोई प्रेशर नहीं बनाया अपना पैसा वापस लेने के लिए। सुखवीर का सोचना ये था कि नेकी कर और दरिया में डाल। बस सुखवीर यही लॉजिक सोचकर ना हर किसी की मदद करता रहता था। अब ना जो सुखवीर था वो सुबह जल्दी अपने गांव से निकल जाता था शहर के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम रहता था। मैंने बताया कि वो एक बिजनेसमैन था, तो शहर में उसका बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। घर आते आते ना उसको बहुत ज्यादा देर हो जाती थी। उस वक्त आपको पता है कि ज्यादा आवाजाही के साधन तो होते नहीं थे। कई बार तो बेचारा वो चल के अपने घर पर आता था, जहां तक उसको लिफ्ट मिली, गाड़ी घोड़ा मिला, ठीक है, कहीं गाड़ी बस मिली, ठीक है, नहीं तो वो चल के ही ज्यादातर अपने घर पर आता था। लेकिन जो सुखवीर था ना, वो खेतों से होते हुए कच्ची सड़क से अपने घर पर आता था। कभी भी वो जंगल के रास्ते से नहीं आया था। हालांकि जो जंगल का रास्ता था उसके घर के लिए शॉर्टकट था, लेकिन लोगों का मानना था कि उस जंगल के अंदर ना एक चुड़ैल रहती है जो रात के वक्त अपना जाल बिछाती है और लोगों को भटकाती है और लोगों को पकड़कर मारकर खा जाती है। तो सुखवीर रात के वक्त उस जंगल के आसपास भी भटकता नहीं था। सुखवीर को अगर लेट भी हो जाता था ना, तो वो खेतों से होता हुआ भले लंबे रास्ते से आता था, लेकिन वो कभी भी जंगल के अंदर से नहीं आता था। वो बोलता था कि भले मुझे 2 घंटे ज्यादा लेट हो जाए, मैं सेफली अपने घर पहुंचूं। सुखवीर का ये मानना था। सुखवीर के गांव में ना एक गुरचरण नाम का किसान रहता था। वो जो गुरचरण था ना, उसको लकवा मार गया था, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड से उसका जो हाथ था, पैर था, खराब था। गुरचरण लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, बहुत मुश्किल से अपना लेफ्ट हाथ जो था ना उठा पाता था। उसका लेफ्ट हाथ जो था ना, थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया था। गुरचरण ने अपनी बेटी की शादी के लिए ना सुखवीर से थोड़ा पैसा उधार मांगा था, तो सुखवीर ने खुशी खुशी लड़की की शादी है ना, तो उसको पैसा दे दिया। अब लड़की की शादी हो गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन गुरचरण जो है थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा चुका रहा होता है। एक बार ना इतनी बारिश पड़ती है कि जो सुखवीर है उसको शहर से आते आते बहुत टाइम हो जाता है, वो घर तक पहुंच ही नहीं पाता। वो ना आधे रास्ते में होता है, वेट करता है कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुखवीर फाइनली डिसाइड करता है कि मैं ऐसा करता हूँ, भले बारिश में भीग जाऊं, लेकिन मैं अपना घर जाता हूँ। घर में जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, उसको तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लगती है। अब ना ये क्या करता है, रास्ते में ना खेतों के बीचों बीच होते हुए जा ही रहा होता है, अचानक से ये रास्ता भटक जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, हाँ किधर हूँ। ये तो मेरा दिल्ली का रास्ता है, मैं तो अक्सर खेतों के बीच में से होता हुआ आ रहा हूँ, ये मैं अचानक किधर जा रहा हूँ, इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा घर जाने का। ये अपने आप को ना जंगल के बीचों बीच पाता है। ये देख कर सुखवीर को इस बात की भनक लग गई कि ये चुड़ैल के माया जाल में फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर आना सुखवीर के लिए संभव ही नहीं था। वो इस रास्ते से कभी आया ही नहीं था, वो तो अपना खेतों से आता है। तो सुखवीर समझ गया कि आज उसकी जिंदगी का ये लास्ट दिन है। अब सुखवीर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो अपने घर के लिए रास्ता ढूंढ ही रहा होता है, तो उसको अचानक से ऐसा
ऐसा लगता है कि जैसे राइट साइड से ना उसके पीछे से कोई झुक करके गया सीधा और उसके आंखों के सामने किधर गैप हो गया उसको कुछ नजर ही नहीं आया है। अब उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई ना परछाई उसके सामने से झुक करके गई है। वो फिर से देखता है कि कौन कौन था, क्या था, किधर से आया, किधर से गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुखवीर के हाथ पैर पूरे कांपने लग जाते हैं, फिर भी वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। इतने में ना उसके पीछे से छन 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 की आवाज़ आती है। सुखवीर का तो दिल जो होता है उसके मुंह में आ जाता है। बस उसको ऐसा लगता है कि आज तो मैं गया। वो ना रब के आगे प्रार्थना करता है कि रब्बा, मन में सोचता है मुझे बचा ले, मेरी मदद कर। इतने में ना वो देखता है कि दूर से लालटेन लटकाए हुए कोई ऐसे ऐसे लाइट को करते हुए आ रहा है और कोई बोल रहा है, सुखीवीर जी पीछे मत देखना। अभी मतलब वो बोल रहा है सुखीवीर जी पीछे मत देखना। तो सुखी को ना ऐसा लगता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं तो सुनी है, किसकी आवाज़ है मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अब जैसे ही धीरे धीरे लाइट आगे आगे बढ़ती जा रही है ना सुखी के आगे, तो वो देखता है कि जो गुरचरण है बहुत ही मुश्किल से चलता हुआ, मतलब अपनी ओर से गुरचरण भागता हुआ लड़खड़ाता हुआ फटाफट इसकी ओर आ रहा है। उसके हाथ में सोटी है और वो सोटी से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को बोल रहा है हट, ऐसे छोटी से किसी को डरा रहा है, उसको बोल रहा है कि आगे मत आना, ऐसे कंटिन्यू हट कर रहा है और लालटेन से ऐसे लाइट कर रहा है। अब सुखीवीर जी समझ जाते हैं कि ये तो गुरचरण है और ये ना किसी चीज़ को डरा रहा है। और जैसे जैसे बोला था गुरचरण ने कि पीछे मुड़ के मत देखना, तो वो ना सुखी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। अब जो गुरचरण है हाथ में उसके बेचारे के ऐसे लाठी है, लालटेन ऐसे ऐसे लटकाता हुआ फटाफट सुखीवीर जी के कोल आता है और बोलता है कि सुखीवीर जी आप पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए बस आप पीछे मत देखना। तो सुखी उसकी बात को समझ जाता है कि कुछ तो मेरे पीछे है जिसकी वजह से ये एमरे को ऐसा बोल रहा है। तो सुखी बोलता है यार तेरी बेटी की शादी हो गई थी, कैसी है तेरी बेटी? तो वो बोलता है हाँ मेरी बेटी तो ठीक है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब ये लोग ना चल रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है ना अपना सुखी आगे आगे चल रहा है और जो गुरचरण है इसके पीछे पीछे चल रहा है और वो अपने हाथ में ऐसे लाइट लिए हुए भी है। एक हाथ अभी गुरचरण का ऐसा है और एक हाथ में उसके लाइट भी है और उसी हाथ में वो बहुत मुश्किल से सोटी को भी लटकाए हुए है। अब वो लाइट देते जा रहा है सुखी को ताकि वो अच्छे से रास्ता क्रॉस कर पाए। तो जो सुखी जानबूझ के इसको बातें में लगा लेता है, बोलता है अच्छी बात है तेरी बेटी अच्छी, सब ससुराल में अच्छा चल रहा है। तो गुरचरण बोलता है हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ना सुखी बोलता है अच्छा फसलों का क्या हाल है, काफ़ी टाइम से मैं तेरे खेतों में आया नहीं हूँ। तो गुरचरण बोलता है हाँ वीर जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी खासी अच्छे से आराम से जो फसलें हैं ना पक रही हैं। तो सुखी बोलता है देखना यार कितनी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ना ये रोड कितना खराब हो जाता है। जो गुरचरण और सुखी होते हैं ना जानबूझकर ये इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं ताकि इनका जो ध्यान है उस चुड़ैल की ओर जाए ही ना। अब क्या होता है जैसे ही ये गाँव के अंदर एंटर करता है ना सुखवीर, तो गुरचरण बोलता है ठीक है पाजी अब मैं चलता हूँ। तो सुखी बोलता है क्या हुआ, तेरा घर तो इधर है, तू इधर किधर जा रहा है? तो गुरचरण बोलता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है। तो अभी सुखी बोलता है ठीक है तेरा बहुत बहुत धन्यवाद यार, तूने मेरी जान बचा ली। तो गुरचरण बोलता है वीर जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने आप ही से सीखा है कि नेकी कर दरिया में डाल, मैनू माफ़ कर देना, मैं आपका कर्जा ना अब कभी नहीं चुका पाऊँगा। तो सुखी बोलता है कोई बात नहीं यार, देने वाला तो रब है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो गुरचरण बोलता है हाँ वीर जी आपने सही बोला। अब ना सुखी अपने घर की ओर जा ही रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है। तो उस भीड़ को पूछता है क्या हो गया, आप लोग ऐसे क्यों जमा हो इतनी बारिश में, इधर क्या कर रहे हो यार? तो लोगों की भीड़ बताती है कि गुरचरण की डेथ हो गई है। तो जो गुरचरण है अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो जब सुखी अपनी आंखों से गुरचरण की डेड बॉडी को देखता है ना वो एकदम से चौंक जाता है। तो सुखी को रियलाइज होता है कि जैसे गुरचरण ने बोला था ना कि पाजी मुझे माफ करना, अब मैं अपना कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा, इसी कर्जे के बोझ के तले ना गुरचरण ने मरने के बाद भी मेरी जान बचाई। तो वो ना दिल ही दिल में गुरचरण का बहुत धन्यवाद करता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अच्छे कर्म बुरे समय में ना बहुत मदद करते हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि नेकी कर और दरिया में डाल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम शांति और सलाम।